से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 8 से 10 स्लाइस हैं ब्रेड के। यहाँ पे छोटे छोटे क्यूब्स में मैं इसे अपने हाथों की मदद से मतलब के मैश करने वाला, जिस तरीके से हम करते हैं इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। इस तरीके से मैं रेजा रेजा करके इन सभी ब्रेड्स को यहाँ पे बॉल में इस तरीके से आप हाथों की मदद से कर लें, फटाफट हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने इसे हाथों की मदद से मैश कर लिया। ये किनारे मैंने इसलिए रिमूव नहीं किए थे, बिल्कुल सॉफ्ट थे। अगर हार्ड हैं तो आप इसको रिमूव कर लें। तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप दूध का, थोड़ा सा दूध डालेंगे। हाथों के मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए यहाँ पे इसको डो की सूरत में इसको बना के तैयार कर लेंगे। पतला नहीं कर लेना हमें, नहीं तो हमारे जो बॉल्स हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। इस तरीके से हम इसे हाथों की मदद से बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालते हुए आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून ये भी डाले होंगे, इसकी डो बनना शुरू हो गई है। तो बस सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब मैं और डाल दूंगी यहाँ पे। तो चलिए बस यहाँ पे ये डो बनके हमारी तैयार है। मैं आपको दिखाते चलूँ ये कितनी स्मूथ सॉफ्ट सी हमारी डो बन गई है। यहाँ पे हम इस तरीके से अपने हाथों की मदद से, अगर आपको लगता है कि हाथों के ये चिपक रहे हैं तो आप हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं। ये गोल बॉल्स में बना के यहाँ पे तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसे बनाना। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं सारे बॉल्स बना के तैयार कर लूँगी। इक्वल साइज़ के हमें बॉल बना के तैयार करने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई छोटा या कोई बड़ा हो। ये देखिए व्यूअर्स, बना के हमने इस तरीके से सारे प्लेट में रख लेने हैं। तो वेलकम टू बैक माय चैनल माय डेली आइडियाज। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ देख सकते हैं मैंने बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं सभी। तो हमें चाहिए एक पैन, उसमें डालेंगे हम ऑयल। ये देखिए व्यूअर्स, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो गए, इसका मतलब है ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो बॉल हमने बनाकर तैयार किए हैं ये हम इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसको फ़ौरन से तकरीबन 2 से 3 सेकंड छोड़ दिया था मैंने, और साइड इसकी चेंज करनी है। हल्का हल्का इसको हिलाते रहेंगे ताकि हर तरफ से खूबसूरत गोल्डन एक जैसा कलर आ जाए। ये आप देख सकते हैं फ़ौरन से इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। आँच आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, मैंने तो इस वक्त बिल्कुल मीडियम टू लो आँच पर यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आँच तेज़ हो और ये कहीं से कलर ज़्यादा डार्क हो जाए और कहीं से लाइट रह जाए। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली के साथ अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है, जिस तरीके का हमें गुलाब जामुन का कलर होता है। ये हमें ऑयल में से निकालने के बाद भी इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, इसलिए मैं इतना कलर इस वक्त हमारे लिए काफ़ी होगा। तो हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, यहाँ पे लूँगी मैं प्लेट, हम इसमें निकाल लेते हैं इसे ऑयल को रिमूव करते हुए। इस तरीके से फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने वही पैन ले लिया है, उसमें हम डालेंगे 2 कप पानी के। फ्लेम को कर दिया है हमने ऑन यहाँ पे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ इलायची, जिसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है, ये डाल देंगे। 2 सब्ज़ इलायची थी मेरे पास। व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास वनीला एसेंस खुशबू के लिए, इसका बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट और बहुत ही अच्छी इससे खुशबू आती है। ये 2 ड्रॉप्स मैंने डाल दिया है। पानी हल्का सा गर्म होगा फिर मैं इसमें शुगर डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे पानी पकने शुरू हो गया। यहाँ 1 कप है मेरे पास चीनी का, ये डाल देंगे यहाँ पर हम। इसका हम शीरा बना के, चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। बस हमें ज़्यादा इसे मतलब कि जैसे चाशनी हमें चावलों के लिए हम बनाते हैं, गच्चक के लिए बनाते हैं, उस तरीके से हमें चाशनी नहीं बनानी। यहाँ पे हम चीनी को मेल्ट होने देंगे सबसे पहले। ये देखिए व्यूअर्स, पानी अच्छे से पकना शुरू हो गया, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। 2 कप हमने इसमें पानी के ऐड किए थे, तब तक हमें इसे यहाँ पे पकाना है जब तक एक पानी इसका रिमूव ना हो जाए। एक पानी ड्राई हो जाएगा तो एक कप बच जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, पानी तकरीबन हमारा 1 कप जो था वो ड्राई हो गया, अब 1 कप रह गया। जस्ट 2 से 3 सेकंड के लिए हम इसे और पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये भी पतला है, हमें बिल्कुल गाढ़ी इसको चाशनी टाइप नहीं तैयार कर लेना, मतलब कि शीरा हमें चाहिए गाढ़े वाला शीरा। वो अभी हमें 2 मिनट और लगेंगे। ये देखिए व्यूअर्स,
ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, आपको देख नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे फ्लेन ऑफ और इसे हल्की सी स्टीम रिमूव होगी तो हम इसे निकाल लेंगे इस शीरे को एक बॉल में। ये देखिए इस तरीके से हम इस बॉल में निकाल लूँगी इस शीरे को। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है, इलायची हमने डाली है, वनीला एसेंस डाला है जिसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत बहुत ही मज़े की इससे खुशबू आ रही है। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये जो बॉल हमने फ्राई किए थे एग के हम इसमें डाल देंगे। शीरा भी हमारा काफ़ी हद तक गर्म है तो हमें ये गर्म में ही डालने हैं। ये देखिए व्यूअर्स हम इस यहाँ पे चम्मच की मदद से मैंने शीरा तकरीबन हमने उतना ही बनाया है जितनी हमें ज़रूरत है, मतलब कि इसमें डिप हो जाए जो इसमें बॉल्स में अब्जॉल्व हो जाए बस उतना ही शीरा हमने इसमें बना के तैयार किया था इसके लिए। अब यहाँ से इसकी साइड चेंज करते हुए हर तरफ से इसे शीरे में हम कर लेंगे डिप। ये देखिए व्यूअर्स इस तरीके से मैंने इसे, आप देख सकते हैं जितना शीरा था उसके अंदर ये बिल्कुल अच्छे से ये डिप हो गए हैं, इसके अंदर एब्जॉल्व हो रहा है शीरा जो है। 2 से 3 सेकंड के लिए हम इसमें डिप रहने देंगे फिर हम इसे निकाल लेंगे इसमें से। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में, अभी गर्म है काफ़ी हद तक इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स इसे प्लेट में हम निकाल लिया, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही स्वीट से हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों के साथ इसे शेयर करें, मुझे कमेंट्स में आपके बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।